देह का अभिमान जहां खत्म हो जाए, जैसे कि अब जो मौसम है बाहर, सुंदर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, ठाकुर जी अब झूला झूलना शुरू कर देंगे, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन गर्मी कैसी पड़ती है, बहुत पसीना आएगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में कूलर भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, केवल एसी ही सहायक बनता है, पंखा कूलर इनमें भी चिपचिपाहट जाती नहीं है। तो उस समय पर एसी की डिमांड करना, शरीर को एसी की जरूरत है, यही है देहाभिमान। आपका शरीर जिस वस्तु की कामना आपके सामने प्रस्तुत कर दे और उसको आप पूरी कर दो, उसी को कहते हैं देहाभिमान। और उस देहाभिमान की शून्यता जब प्रारंभ होती है, तब हम शिष्य बनते हैं, तब हमारा शिष्यत्व प्रारंभ होता है। हमारे पूज्य नाना जी वो बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत सुनाया करते थे, तो एक दृष्टांत सुनाते थे कि आजकल शिष्य कैसे होते हैं। देह के अभिमान युक्त शिष्य होते हैं, देहाभिमान शून्य शिष्य नहीं होते। गुरु जी को कष्ट है तो होता रहे, हमको नहीं होना चाहिए। एक गुरु जी सो रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा बाहर बारिश हो रही थी, देख के आना बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। तो शिष्य लेटा लेटा ही कहता है कि गुरु जी अभी अभी बिल्ली आई थी। बिल्ली आई थी मतलब, बोले वो सूखी थी, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। वाह, बेटा एक काम कर, दिया बुझा दे, रात्रि हो गई, सो जाएं अब। बोले गुरुजी आंखों के कपाट बंद कर लो, अपने आप अंधेरा हो जाएगा। इसको कहते हैं देहाभिमान युक्त। अच्छा बेटा तो फिर एक काम कर दे, गेट बंद कर दे, सो जाएं हम। बोले दो काम मैंने कर दिए, तीसरा आप कर दो। इसको कहते हैं देहाभिमान युक्त। लेकिन हमें कैसा होना है, देहाभिमान शून्य। गुरु के आगे अपने अपने देह की मत चलने दो, अपने देह के गुलाम मत बनो। वहां पर चित्त के सुख का विचार करो, देह के सुख का विचार मत करो। श्रीधाम वृंदावन भी गुरु स्वरूप है, क्यों, प्रेम पढ़ाता है, प्रेम सिखाता है। स्थान भी गुरु होता है, गुरु केवल और केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में आपको सब समझ में आएगा। भारत में जितने भी स्थान हैं सब गुरु हैं, सब कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई आदि जैसे जो नगर हैं बड़े बड़े, ये कर्म करना सिखाते हैं, गुरु हैं। कोई नगर संघर्ष करना सिखाता है, कोई नगर सौंदर्य कैसा है, इस प्रकृति का, प्रकृति की सुंदरता कैसी है, वो दर्शा करके आपको पृथ्वी की सुंदरता से अवगत कराता है, वो भी गुरु है। लेकिन वृंदावन प्रेम को प्रमुख, यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याए जाने कहाँ गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कहाँ तक कहें, एक अद्भुत छवि का दर्शन कराते हैं आपको। भैया माइक थोड़ा सा उन्हें कम लग रहा, थोड़ा ठीक करो। श्री नारद जी महाराज ब्रह्म को खोजने के लिए गए।
एक अद्भुत छवि का दर्शन। और खोजते 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 बद्रीनाथ गए, सेतबंद गए, रामेश्वरम गए, भागवत में सब वर्णन है, महात्मा में कहां कहां गए। लेकिन खोजते खोजते जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन में उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा, दृश्य देख करके क्या कहते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे नीतिम अपरे भजन्तु भवभीता अहंतुम नंदम वंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बहुत अच्छी बात। इस स्वरूप को अपने हृदय रूपी कैनवास पर उतारिएगा। कैसा बता रहे हैं, श्रुतिम अपरे, बड़े बड़े वेद भी जिनके रूप को जानने में परे हैं, नहीं कर पाते। हम लोग भगवान को किससे जानना चाहते हैं, वेद के थ्रू जानना चाहते हैं, लेकिन वो वेद भी भगवान को नहीं पहचान पाता। बहुत ध्यान से सुनिए, हम वेद का आश्रय लेते हैं किस लिए, भगवान को जानने के लिए, लेकिन वेद भी भगवान को खोज ही रहा है, उसको भी नहीं मिले। श्रुति में परे हम स्मृतियों का आश्रय लेते हैं भगवान को जानने के लिए, लेकिन नारद जी कहते हैं स्मृति में परे, स्मृति भी भगवान को खोज नहीं पाती है। नीतिम अपरे, नीति का आश्रय लेते हैं ताकि भगवान मिल जाए, लेकिन नीति अपरे, वो भी भगवान को खोज नहीं पाती है। भजन तु भव भीताः, लोग भजन कर के खोजना चाहते हैं लेकिन फिर भी भगवान मिल नहीं पाते। लेकिन नारद जी महाराज कह रहे हैं, मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता हुआ, नीतियों को देख करके, शास्त्रों को देख करके, वेदों को देखता हुआ, जैसे ही मैं वृंदावन आया तो अहम तुम नंदम वंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले मैं नंद बाबा को प्रणाम करना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले मैंने नंद बाबा की दहली पे, प्राचीन काल के घर बनते थे ना, तो मुख्य द्वार पर जो दहली होती थी वो खूब ऊंची बनाते थे। आज भी आप लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे तो दहली को प्रणाम करते हैं, कई लोग उसको लांग के जाते हैं। वो दहलियां ऊंची क्यों होती थी, कहीं कोई सर्प, कहीं कोई बिच्छू, कहीं कोई कीड़ा घर में प्रवेश ना कर जाए। तो नारद जी महाराज जो दृश्य देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, बोले नंद बाबा को प्रणाम करता हूं। बोले क्यों? बोले वृंदावन आकर के नंद भवन के सामने जैसे ही मैं खड़ा हुआ तभी मैंने देखा एक सांवरा सलोना बालक बाहर निकल कर के आया, और जैसे ही दहली को पार करने लगा तो दहली इतनी ऊंची, लाला बातें छोटो, जैसे ही दहली पे चढ़ो तो एक तरफ से चढ़ गयो, दोनों तरफ पाम लटक गए। अब ठाकुर जी सोच रहे पल्ली तरफ उतरूं कैसे, तो कभी यहाँ लटक जाए, कभी यहाँ लटक जाए, कभी यहाँ लटक जाए। बोले ब्रह्म बसता, ये ब्रह्म है, मैंने देखा। यस्यालिंदे ब्रह्म बसता, मैंने नंद बाबा की दहली पे ब्रह्म को लदा हुआ देखा। एक छोटा बालक जब एक वर्ष का हो जाता है तो उसके अंदर एक उसकी बुद्धि देखो कितनी तीव्र होती है। वो बिस्तर से पहले तो अपना एक पैर नीचे लटकाएगा, फिर दूसरा पैर नीचे लटकाएगा, फिर हाथों से चद्दर पकड़ लेगा, पर धीरे धीरे खिसकेगा, जब नीचे पैर उसके टिक जाएंगे तब उतरेगा। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता, नंद बाबा की दहली पर ठाकुर जी लटके भये हैं। या जाने कहां गवार, ओ भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे। ये अब दो बातें हैं, बहुत ज्यादा विद्वान लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन ऐसे विद्वान हमारे वृंदावन की भाषा में गमार हैं। हमारे वृंदावन में बुद्धि की पराकाष्ठा नहीं देखते, हमारे वृंदावन तो प्रेम की पराकाष्ठा देखता है। आपका प्रेम कितना प्रगाढ़ है, प्रेम कितना ऊंचा है, वृंदावन ये स्वीकार कर। तो मैं कह रहा था वृंदावन भी गुरु है, भगवान के मित्र हैं उद्धव। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बुद्धि में बहुत ऊंचे हैं उद्धव जी महाराज, लेकिन उनको भी भगवान ने पहले वृंदावन भेजा। वृंदावन जाकर के ब्रजांगनाओं से, ब्रज की गोपियों से प्रेम का पाठ सीख करके आ, तब मेरे साथ आगे की लीला में चलना तू। ऐसा ये वृंदावन, यहां पर देह के सुख की कामना मत कीजिएगा, चित्त का सुख मिले,
चित्त का आनंद मिले। यमुना पुलिन पर जाकर के, यमुना के तीर बैठ कर के ऐसा विचार करो, श्याम सुंदर यहीं भ्रमण कर रहे हैं, यहीं विचरण कर रहे हैं, यहीं से घूम रहे हैं, यहीं पर जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसा किया था वृंदावन में, उनका मुंह बंद कर दो, था नहीं, करते हैं, आज भी करते हैं लाल जी, नित्य ठाकुर जी की लीला यहाँ चल रही है। मुझे एक बिहारी जी के गोस्वामी बता रहे थे, बोले लाला तो को एक अपना अनुभव बताऊं, मैंने बताओ, बोले सवेरे सवेरे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त, हमने तो ब्रह्म मुहूर्त में खूब कथा की है, 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, बोले 3:30 पर कभी वृंदावन की परिक्रमा जाओ, और जब यमुना पुलिन आ जाए ना, यमुना के किनारे से जब परिक्रमा जावे, तो परिक्रमा छोड़, यमुना की रेत में चलन लगी हो और वास्तव में कोई टॉर्च या कोई दिया से प्रकाश करते हुए चलियो, तुमको जरूर निश्चित ही श्यामा श्याम के चरणारविंद दिखाई देंगे। आज भी वृंदावन में ठाकुर जी विराजमान। वाह, तो ऐसा श्री वृंदावन था। कल हम लोग प्रसंग सुन रहे थे अब देखो ये हमने कड़ी जोड़ी नहीं, अपने आप जोड़ेगी कथा की। परीक्षित के भीतर भगवत कथा सुनने की इतनी तत्परता, इतनी व्याकुलता, 3 दिन हो गए 24 घंटे कथा चल रही है, और आज 4th दिन की कथा में परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि भाई थोड़ी देर का विश्राम ले लो, विराम ले लो, कुछ खा लो पी लो, फिर कथा सुना देंगे। लेकिन उस समय भी कहता है पिबंतम त्वम मुखाम भोज चुतम हरि कथा अमृतम, या आपके मुख से ऐसी मधुर कथा चुचा रही है, इसको पीने के बाद में अब मुझे कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं रह गई प्रभु। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। श्री भक्तमाल जी में परीक्षित जी को श्रवण भक्ति का आचार्य बताया गया, लेकिन एक संशय है, मैं कभी बद्रीनाथ गया नहीं, एक बात बता रहा हूं, और बद्रीनाथ जाते 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 जैसे ही जोशीमठ आया, जोशीमठ से 50 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ रह जाते हैं। अब जोशीमठ में मुझको कोई कह दे कि आप रात्रि रुक जाओ, कल चले जाना, यदि मैं बद्रीनाथ नहीं गया, यदि मैंने बद्रीनाथ को अपने नेत्रों से नहीं निहारा, तो मेरी इच्छा देखने की इतनी ज्यादा नहीं होगी, मैं मान जाऊंगा ठीक है आज रात रुक जाऊंगा कल चला जाऊंगा। लेकिन यदि बद्रीनाथ को कदापि किसी ना किसी रूप में मैंने देखा है, वहां के सौंदर्य को, वहां के वातावरण को एक बार अनुभव किया है, और उस समय यदि मैं जोशीमठ पार करूं और कोई मुझे रोके कि आप एक रात रुक जाओ, तो क्या मैं रुकूंगा? नहीं, मुझको तो अभी पहुंचना है, चाहे घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, लेकिन बद्रीनाथ रात्रि पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि उसका आस्वादन मैंने थोड़ा बहुत किया है। परीक्षित के कथा सुनने के प्रति इतनी तत्परता जो जगी है, कृष्ण लीलामृत को सुनने के लिए इतना व्याकुल जो परीक्षित हो रहा है, इससे ऐसा कहीं अनुभव हो रहा है कि कहीं परीक्षित ने पहले सुनी तो नहीं है। अब एक बात बताएं, सुनी है, सुनी नहीं है, लेकिन हां थोड़ी सी चखी है। कैसे चखी है? श्रीमद् भागवत में 2 महात्म्य हैं, उत्तर महात्म्य और पूर्व महात्म्य। तो उत्तर महात्म्य की कथा है कि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा एक बार चखाई जा चुकी है पहले। कैसे? भगवान स्वधाम चले गए, स्वधाम गमन के बाद में भगवान के परपौत्र बज्रनाभ, बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा, ये कथा लगभग कथाओं में नहीं कही गई है, बिल्कुल नवीन भाव है, इसलिए ये सुनना ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो रसिक बने हैं परीक्षित कथा के, इतनी भावुक बने हैं कथा सुनने के, वो कैसे बने? बज्रनाभ भगवान के परपौत्र, श्रीधाम वृंदावन आ गए भगवान की 16,100 राजकुमारियों को साथ लेकर के।
ऐसा वर्णन आता है कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद भगवान की जो अष्टपटरानियां हैं कृष्ण विरह में, उन्होंने तत्क्षण अपने देह का परित्याग कर दिया था, लेकिन 16,100 जो राजकुमारियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं, वो बज्रनाव के साथ ब्रजमंडल आ रही हैं। ब्रज में आ गए, ब्रज में कोई भी नहीं है। कृष्ण अपनी लीला संवरण करके चले गए। ये समाचार सुनते ही ब्रजवासियों ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, या ऐसा कहें सब भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तब बज्रनाभ इस वृंदावन में आते हैं, ब्रज में आते हैं, और इस वृंदावन में आकर के वे यहाँ का सब राजपाट संभालते हैं। भगवान की राजकुमारियां, भगवान की समस्त पटरानियां बज्रनाव के साथ रहती हैं। बज्रनाव के पास कोई और काम नहीं है, पूरे दिन केवल अपनी माताओं की सेवा करता रहता है, क्योंकि वृंदावन में कोई और है ही नहीं जिसके ऊपर शासन किया जाए। भगवान की समस्त रानी रोज सायंकालीन सत्र में वृंदावन भ्रमण करती हैं, ठाकुर जी की लीला स्थलों का दर्शन करती हैं, रुदन करती हैं, विरह में व्याप्त हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं, और स्मरण करते 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 यमुना पुलिन पर जाकर के बैठती हैं और हे कृष्ण हे नाथ कहकर के रुदन करने लगती हैं। इस प्रकार से जीवन यापन कर रही हैं भगवान की 16,100 रानियां। एक दिन भ्रमण करती हुई, पूरे वृंदावन का दर्शन करती हुई जैसे ही यमुना पुलिन पर पहुंची हैं, तब यमुना पुलिन पर जाकर के एक भगवान की पत्नी यमुना को बड़े बड़े क्रोध भरी दृष्टि से देखती है और अपनी समस्त आदि सखियों से कहती है कि अरे हम रुदन कर रही हैं, हमको विरह हो रहा है कृष्ण का, ये यमुना भी तो कृष्ण पटरानी है, इसको विरह क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं रोती, जो विरह हमको है कृष्ण कृष्ण स्मरण का, वो विरह इसको क्यों नहीं है। भगवान की समस्त 16,000 रानियां यमुना के पास जाकर के खड़ी हो जाती हैं और जाकर के कहती हैं अरे तू पतिव्रता नारी है, अपने पति के वियोग में भी प्रसन्न होकर के बह रही है, तेरे को जरा भी लज्जा नहीं है, तेरे को जरा भी कष्ट नहीं है, तुझे जरा भी विरह नहीं है। तो यमुना महारानी प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर के उन समस्त भगवान की पटरानियों को उत्तर देती हैं कि मुझे विरह क्यों नहीं है, मैं दुखी क्यों नहीं हूं। तब श्री यमुना जी कहती हैं आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेन विरहोस्मान संस्पर्शे। हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है, लेकिन तुम जानती हो कृष्ण की आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है और उन कृष्ण की आत्मा श्री किशोरी जी हैं, श्री राधिका रानी हैं। अरे सखियों, अरे सहचरियों, अरे रानियों, जिस दिन कृष्ण अपनी लीला संवरण करके गए हैं उसी दिन से हम अष्टपटरानियों ने श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कर ली है, हम श्री किशोरी जी की शरणागत हो गई हैं। तस्य दास प्रभावेण, उनके दास बनने का ये प्रभाव है, विरहोस्मान न संस्पृशेत, हमको विरह नहीं होता। क्यों? बोले जब इच्छा करती हैं, जब प्रार्थना करती हैं, तब तब किशोरी जी श्याम सुंदर को हमारे सामने प्रकट कर देती हैं। ये सामर्थ्य केवल किशोरी जी में है कि जब भी आपको स्मरण हो कृष्ण का, किशोरी जी के चरणों में चले जाओ, ठाकुर जी का अपने आप दर्शन होगा। बंधुओं, यदि किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को कृष्ण विरह व्याप्त हो, कृष्ण विरह उसके चित्त में समाया हो, उसको एक उपाय बताएं, जब जब कृष्ण की याद आवे, जब जब ठाकुर जी का स्मरण हो, जब जब राधा रमन लाल का स्मरण हो,
तब तब किशोरी जी को नेत्रों में ध्यान करके स्मरण करना, आपको ऐसा लगेगा कृष्ण ने आपको छुआ है, कृष्ण आपके पास विराज रहे हैं, कृष्ण आपके बगल में बैठे हैं। उस समय का जो आभा मंडल होगा वो बदल जाएगा, उस समय का जो परिस्थिति होगी वो अपना रूप बदल देगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी ब्रज की, हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, यहां की रानी स्वरूपा साक्षात यमुना जी कहती, कृष्ण स्मरण हो तो श्री राधिका जी की याद करो, कृष्ण विरह हो तो राधिका जी का स्मरण करो। जाहि श्याम मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार, जाहि श्याम मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार। जिनको ठाकुर जी निरंतर अपनी मुरली पर तेरते रहते हैं, जिनका स्मरण बार बार करते रहते हैं, यदि कृष्ण विरह में उनका स्मरण किया जाए तो कृष्ण दर्शन सुलभ हो जाएगा। समस्त भगवान की पटरानियों ने श्री यमुना जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि अब हम क्या करें, हमारा विरह कैसे दूर होगा, आप हमको बताइए। तब श्री कालिंदी ने, यमुना जी ने उनको उपाय बताया कि गोपियों को और श्री किशोरी जी को भी कृष्ण विरह हुआ था। कब हुआ था? जब भगवान ब्रज छोड़ करके गए थे। उस काल में गोपियों को और श्री किशोरी जी को सुख प्रदान किया था भगवान कृष्ण के सखा उद्धव ने। आप सब लोग उद्धव जी की शरण में चले जाओ। 16,100 राजकुमारियां कहने लगी, बोले उद्धव जी कहां हैं? बोले गोवर्धन में एक सरोवर है, कुसुम सरोवर। वहां कुसुम सरोवर की लता गुलमों में, लता पत्रों में, वृक्षावलियों के मध्य में श्री उद्धव जी विराजते हैं, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा यही थी ना व्रत छोड़ते हुए, आशाम हो चरण रेण उज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। श्री उद्धव जी महाराज जब व्रत से गए तो कहकर के गए, हे विधाता, यदि आप मुझसे बहुत प्रसन्न हो और मुझको पुनः जन्म देना चाहो तो इस ब्रजमंडल की लता पत्र बना देना, गुल्म बना देना। गोवर्धन के कुसुम सरोवर की लता पत्रों में श्री उद्धव जी महाराज रहते हैं। यमुना जी कह रहे हैं, आप सब लोग जाइए, बज्रनाभ को अपने साथ लेकर के जाइए और उनसे कथा सुनने की व्यवस्था करवाने के लिए इंद्रप्रस्थ के राजा, हस्तिनापुर के जो अभी वर्तमान राजा हैं, राजा परीक्षित, उनको अपने साथ लेकर के जाइए, यमुना जी ने कहा। तब बज्रनाभ पत्र लिख करके परीक्षित को आमंत्रण भेजते हैं कि हे परीक्षित आप पधारो। परीक्षित आते हैं, आकर के समस्त भगवान की 16,100 राजकुमारी एवं बज्रनाभ को लेकर के गोवर्धन जाते हैं। गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर जाकर के सब कीर्तन करते हैं और वहां कीर्तन को सुनकर के आनंदित प्रसन्न होकर के श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। और उद्धव जी प्रकट होकर के उन सब लोगों को कहते हैं, आप लोगों को विरह क्यों है? क्योंकि आप ऐसा मानते हो, आप ऐसा सोचते हो कि कृष्ण नहीं है। मुझे विरह नहीं है, यमुना जी को विरह नहीं है, हम भक्तों को विरह नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर रहे थे तब मैंने उनसे पूछा था कि आप चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण एक ज्योति में प्रकट हो गए, 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। आपने भागवत की शरण नहीं ली है इसलिए आप लोग विरह में हो, आपको दुख हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा मैं सुनाऊंगा आपको, आपका विरह दूर हो जाएगा। इस प्रकार से कुसुम सरोवर पर श्री उद्धव जी महाराज भागवत की कथा का गान करने के लिए अविराजित हुए। सारी व्यवस्था परीक्षित जी ने की है, उत्तम व्यवस्था की गई। जैसे उद्धव जी महाराज मंच पर आसीन हुए, मंगलाचरण करने के बाद जैसे नेत्र खोल करके उन्होंने श्रोताओं को देखा कि अधिकारी हैं कि नहीं है,
जब उन्होंने अपनी दृष्टि को घुमाया तभी वो क्या देखते हैं कि सामने एक एक राजा बैठा है, राजा परीक्षित, जिसका संपूर्ण अंग कंपायमान हो रहा है। वह व्याप्त राजा परीक्षित के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। क्यों? क्योंकि आज परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं कि मैं आज उनकी कथा सुनूंगा जिन्होंने मुझको मेरे गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आके मुझे बचाया। श्री उद्धव जी महाराज राजा परीक्षित को मंच पर बुलाते हैं, मंच पर पधारो। मंच पर आते हैं तब राजा परीक्षित से श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, राजम चिंता तुते कापी नैव कार्या कथंचन तवैव भगवत्सत्रै यतो मुख्याधिकारिता। हे राजन, आप इस कथा के मुख्य अधिकारी हो। आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो दैन्यता है, एक एक छत्र सम्राट होने के बाद भी इतनी दीनता आपके भीतर विद्यमान है, आप इस कथा के मुख्य अधिकारी हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति आपको कथा में रहने का अधिकार नहीं देती। क्यों? बोले आप जानते हैं, कृष्ण भगवान जब से अपनी लीला पूरी करके गए तब से कलयुग प्रकट हो गया है, कलयुग प्रारंभ हो गया है, और उस कलयुग को रोकने की सामर्थ्य केवल आप में है और किसी में नहीं। इसलिए आपको एक बलिदान देना पड़ेगा। बोले कैसा बलिदान? बोले कहीं वो कलयुग भ्रमण करता करता यहां गोवर्धन की इस कथा में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए पहले ही जाकर के आप उस कलयुग को एक स्थान पर रोक करके बांध दीजिए, उसको चार स्थान दे दीजिएगा, वहीं रुक जाएगा कलयुग। आपको यह काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप श्रोता बाद में है, राजा पहले है, प्रजा के सुख का विचार करना आपका धर्म है। राजा परीक्षित तो इतने इतने ज्यादा भाव विह्वल हो गए, बोले तो फिर मैं, मुझे कथा कब मिलेगी, मुझे सुनने को कब मिलेगा? तब कहते हैं कि नंद नंदन रूपस्तु श्री सुखो भगवान ऋषि, मैं उद्धव तुमको कथा नहीं सुनाऊंगा, स्वयं नंद नंदन देवकी नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण सुखरूप सुखदेव का रूप धारण करके आएंगे और वे आकर के श्रीमद् भागवत का कथा प्रसाद तुमको प्रदान करेंगे। परीक्षित तुम चिंता मत करो, लेकिन अभी परिस्थिति की मांग ऐसी है कि तुम इस कथा को छोड़ करके जाओ और कलयुग पूरे विश्व में, एक ये कलयुग भी एक वायरस था, पूरे देश में फैल रहा था, सबको तंग कर रहा था, सबको परेशान कर रहा था, लेकिन परीक्षित राजा ने जाकर के पांच स्थान दे दिए। आज भी कलयुग केवल पांच ही स्थान पर है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और पांचवा अनीति का धन। यदि उस समय उद्धव जी ने परीक्षित को नहीं भेजा होता तो कलयुग का कितना भयावह रूप हो जाता, ये आप सोच भी नहीं सकते। उस समय अपने हृदय को भाने वाली अत्यंत प्रिय मनोहर भगवान की मंगलमय कथा को छोड़ करके परीक्षित जी चले गए। ये आज इतने व्याकुल जो परीक्षित हो रहे हैं, ये तब से व्याकुल हैं। कब मुझे कथा मिलेगी, कब मेरे जीवन में कथा आएगी? आज श्री शुकाचार्य सामने बैठे हैं, तीन दिन की कथा विश्राम ले चुकी है, चौथे दिन की कथा प्रारंभ होती है। कृष्ण लीला से पहले दो श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके वे शांत हो जाते हैं। उस समय भाव विह्वल होकर के सुखदेव कहते हैं, मैं आज का प्यासा नहीं हूं, मैं तीन दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं तो तब से प्रतीक्षा में हूं प्रभु। इस प्रकार कृष्ण कथा को दो श्लोकों में सुना करके मेरा वध मत कीजिए, मुझे पहले भी वंचित रखा गया है इस कथा से, अब मैं वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि अब मुझे वंचित किया गया तो मेरे प्राण तत्क्षण निकल जाएंगे। श्री भक्तमाल जी में वर्णन है, भक्तमाल में वर्णन है कि परीक्षित के प्राण तक्षक सर्प के दमसन से नहीं निकले। भक्तमाल जी कहती हैं, जैसे ही शुकाचार्य जी ने अपनी कथा को विराम दिया और जैसे ही वे आसन से उठकर के चले गए, तो सुखदेव जी को, तो परीक्षित जी को इतना विरह हुआ कि अब मेरे जीवन में कथा नहीं है, अब शुकाचार्य जी मुझको कथा नहीं सुनाएंगे,
क्या मेरे 7 दिन पूरे हो गए? अब मुझको भगवान के मंगल में यश का गुणानुवाद सुनने को नहीं मिलेगा। इतना विरह हुआ तथा विश्राम होने के विरह से परीक्षित के प्राण निकल गए। तो बोले तक्षक सर्प, बोले वो तो अंतिम संस्कार करने आया था, वो तो केवल शव को डस करके जलाने के लिए आया था, लेकिन परीक्षित के प्राण तो श्रीमद् भागवत में विद्यमान। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा के पिपासु परीक्षित आज के प्यासे नहीं है, तब से प्यासे हैं जब से उद्धव जी ने उनको भेजा है। आज वे प्रार्थना कर रहे हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशाना चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, आप मुझे ये मंगलमय कथा सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। मुझे इस प्रकार आप आधी कथा सुना करके मुझे वंचित मत कीजिए प्रभु। इस प्रकार से परीक्षित जी ने जब प्रार्थना की है, तब भगवान के अवतार की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अवतार, अव धन उतार इति अवतार, सीधा अर्थ है अब तारो, अब मोहे तारो प्रभु, अब मुझ पर कृपा करो। भगवान की कृपा को ही अवतार कहते हैं। और ये अवतार केवल कृष्ण रूप में भगवान आए तभी हुआ, राम रूप में भगवान आए तभी हुआ। बंधुओं, हमारी विषम परिस्थिति से भी हम लोग बड़ी सुगमता से यदि निकल जाएं भगवान की कृपा प्रसाद से, उसको भी अवतार ही समझिएगा। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि लगता है कि अब इससे बचना। अच्छा देखो, एक बात बताएं, कोरोना काल कितना भयभीत है, कितना डरावना है, कितना ज्यादा घातक है, सब जानते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इस कोरोना संक्रमण से भले ही लड़ झगड़ के भी सही बच बचा के यहाँ बैठे हैं, ये भी भगवान का अवतार ही है। तो भगवान ने हमको ऐसी विषम परिस्थिति से तार दिया। कितने सारे ऐसे श्रोता जिनको निरंतर कथा सुन देखता था मैं, अब उनका दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? नहीं पार कर पाए इस नदी को कोरोना की। और न जाने कितनी बड़ी नदी है, जैसे बड़ी नदी होती ना उसमें बीच बीच में टापू बने होते हैं, ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा सा तैरना शुरू करते हैं फिर एक टापू पे पहुंच जाते हैं, थोड़ी सांस लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर से कूद जाते हैं, फिर तैरते हैं, फिर एक आगे टापू है। अभी दूसरे टापू पर पहुंच गए हम लोग, तो सुनने में आ रहा है तीसरा टापू और है, उस पर पहुंचना है। अब जाने कब तक क्या क्या साधन ले ले करके ये पार होगा। लेकिन यदि सही सलामत हम पार कर रहे हैं तो इसको भगवान का अवतार ही समझो, भगवान की कृपा ही समझो। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, ऊपर देख करके कहने लगा कोई तो बचाओ, कोई तो निकालो, कोई तो तारो, कोई तो उतारो, लेकिन कोई नहीं आया। तब भगवान के मन में इच्छा प्रकट हुई कि भाई इतना विरह से व्याप्त है, इतना बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। तुरंत ठाकुर जी पहुंच गए, एक साधारण मानव का रूप धारण करके रस्सी आदि से लटक करके नीचे पहुंचे और नीचे ले जा करके उसकी कमर में रस्सी बांधने लगे, बातचीत करने लगे। तो ऊपर से तीसरा व्यक्ति जा रहा था, उसने क्या देखा, इस कुएं में दो लोग गिर गए हैं, दो लोग पड़े हुए हैं। यही पूरी एक भूमिका आपको समझनी है। पहला व्यक्ति जो कुएं में गिरा है वो है जीवात्मा। वो कुएं में स्वेच्छा से नहीं उतरता, वो कुएं के भीतर अपनी इच्छा से नहीं आता, वो गिरता है अंदर। यानी कि जीवात्मा इस पृथ्वी पर अपनी स्वेच्छा से नहीं आता, गिरता है। और गिरता भी नहीं है, उसको ढकेला जाता है, गेरा जाता है। कर्म बंधन में बंध करके हम आप सब लोग यहां पर गेरे गए हैं, फेंके गए हैं। हम लोग वृंदावन में रह करके कथा सुन करके खूब ठाकुर जी का भजन पूजन करके मंगल में स्मरण करते हुए ठाकुर जी को याद करते हुए पुकारते हैं,
तब स्वेच्छा से भगवान आते हैं। मानव स्वेच्छा से नहीं आता, भगवान स्वेच्छा से आते हैं। स्वेच्छा से आते हैं हमको तारने के लिए। जीवात्मा ढकेला जाता है, परमात्मा स्वेच्छा से आते हैं उसको बचाने के लिए। और जीवात्मा और परमात्मा के इस परस्पर प्रेम को तीसरा व्यक्ति देख करके सोचता है कि ये दोनों जीवात्मा पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, वो तीसरा ही अज्ञानी। आप कहो कहाँ जा रहे हो, बोले वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इंद्रेश जी की कथा है, ठाकुर जी की कथा है। तो तीसरा व्यक्ति हंस रहा है, इससे क्या तात्पर्य होगा, वृंदावन क्यों जा रहे हो, कोरोना काल चल रहा है, घर में बैठो भैया, माला माला जपो, आनंद से भोजन करो, जाने की क्या जरूरत है, वही अज्ञानी है। अरे वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है, हमको तारने के लिए पृथ्वी पर पधारा है वृंदावन, वहां तो हम जाएंगे। जीवात्मा और परमात्मा में केवल इतना भेद है कि जीवात्मा ढकेला जाता है पृथ्वी पर और परमात्मा स्वेच्छा से आता है, यही अवतार है। अवतार केवल इतना ही है। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक ते का। परीक्षित जी महाराज की खूब प्रशंसा की श्री शुकाचार्य जी ने। हे राजन, तुम राजा नहीं हो, राजर्षि नहीं हो, राजर्षि सत्तम हो। आओ अब मैं तुमको कृष्ण अवतार की कथा सुनाता हूं। कि भूमिर द्रप्त नृप व्याजैः दत्यानीकशतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ जाता है, पृथ्वी जब अत्यंत भार युक्त हो जाती है, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 पृथ्वी जब भार युक्त हो जाती है, पृथ्वी पर राक्षसों का बोलबाला खूब हो जाता है, यज्ञ करने वालों की कमी हो जाती है, भजन पाठ पूजन करने वाले लोग गिनती के रह जाते हैं, तब पृथ्वी रुदन करती हुई ब्रह्मा की शरण में जाती है और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करती है कि हे ब्रह्मा जी, आप कृपा करके कुछ कीजिए और कैसे भी करके इन समस्त दुष्टों का सर्वनाश कीजिए। बंधुओं, पृथ्वी का सबसे बड़ा भार क्या है, इस प्रसंग की पुष्टि
भगवान के एक मंगलमय भक्त के द्वारा की गई है श्रीमद् भागवत में। कब? जब भगवान बामन बनकर के बलि के द्वार पर जाते हैं और बामन भगवान, देखो हमारी कथा भले ही दशम स्कंद एकादश स्कंद की है लेकिन सारी कथाएं स्वतः प्रकट हो जाती है। कल सारे अवतार अपने आप हो गए थे, कल समस्त अवतारों का प्रयोजन बताया था कि किस किस अवतार का प्रयोजन सब कृष्ण लीला में। कल एक प्रश्न हुआ कि मत्स्य अवतार ने कौन सी भूमिका बनाई कृष्ण जन्मोत्सव की। तो बंधुओं, मत्स्य अवतार जब हुआ था सत्यव्रत राजा, वो सत्यव्रत राजा जल में स्नान करने के बाद में सूर्य अर्घ दे रहे थे और सूर्य अर्घ दे रहे थे तब हाथ में मत्स्य भगवान उनके आ गए थे। उनको लेकर के वो अपने भवन में आए तो रोज वो मत्स्य अवतार विशाल रूप धारण कर लें। कहने का अभिप्राय ये है कि यही सत्यव्रत राजा के कुल में संतान हुई, उनका नाम था इलाव्रत। उनका बहुत बड़ी कथा है कि सत्यव्रत राजा ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ कराया और उस पुत्र कामिष्ठ यज्ञ में जब ऋषि ने पूछा कि आपको पुत्र चाहिए कि पुत्री, तो राजा ध्यानस्थ बैठे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमको पुत्री चाहिए। तो जब यज्ञ संपन्न हुआ, नौ महीने का गर्भ जब माँ ने धारण किया, उसके बाद जब जन्म हुआ तो पुत्री का जन्म हुआ। राजा प्रसन्न तो हुआ लेकिन उसने ऋषि मुनियों से कहा कि मैंने तो कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्री कैसे हो? बोले नहीं प्रभु, यज्ञ के समय पूछा गया था तब आपकी पत्नी ने कहा था पुत्री चाहिए, तो पुत्री हुई इला। अब उन्होंने कहा इसको कैसे भी पुत्र बनाओ, ये कैसे भी पुत्र बनना चाहिए। उसी को फिर पुत्र रूप बनाया जैसे तैसे मंत्र शक्ति के द्वारा, लेकिन वही पुत्र भ्रमण करता हुआ कैलाश के उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है। वहां पहुंचते ही सब स्त्री बन जाते हैं, वहां पहुंच करके फिर से स्त्री बन गया। और चंद्रमा के पुत्र बुध, जैसे ही वो स्त्री रूप में आया तो बुध ने उनसे ब्याह कर लिया और उनके गर्भ से पुरुरवा यानी कि ऐल का जन्म हुआ, इला के पुत्र ऐल का। और पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के ययाति और ययाति के यदु, और इसी यदु कुल में भगवान श्री कृष्ण पधारे। तो भगवान मत्स्य की कृपा से ही यदु कुल प्रारंभ हुआ। इसलिए समस्त जितने भी आप भगवान के अवतारों को उठाएंगे सब अवतार कृष्ण लीला के प्रयोजन है, कृष्ण लीला की ही भूमिका बनाते हैं। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भार क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बामन बलि के यहां पहुंचे, बलि यज्ञ कर रहा था तभी सामने से बामन भगवान आए। बामन भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि भाई आज हमारे यहां बामन पधारे हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रभु आज्ञा कीजिए आपको क्या चाहिए। तब बामन भगवान कहते हैं कि तीन पग जमीन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हुई लेकिन बामन भगवान ने यही कहा तीन पग जमीन चाहिए। गुरु शुक्राचार्य जी कोने में बैठकर के बामन भगवान को देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं ऐसा बामन, बामन यानी ब्राह्मण को भी बामन कहते हैं, ऐसा ब्राह्मण हमने पहली बार देखा। यजमान देने को तैयार बैठा है और ब्राह्मण मना कर रहा है। ब्राह्मण कभी मना नहीं करते, सब स्वीकार करते हैं ब्राह्मण। एक बार एक पंडित जी भोजन करने के लिए गए, खूब पेट भर के भोजन किया, भोजन करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि खाते 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 वहीं लुढ़क गए, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इतना खा लिया। हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती किया तो डॉक्टर ने एक चूरन और तीन गोली दे दी, बोले पंडित जी ये पालो, आप इसको पालेंगे तो आपका पेट स्वस्थ हो जाएगा। पंडित जी घूर करके डॉक्टर को देखने लगे, बोले इन गोली और चूरन की जगह होती तो इतनी में खीर नहीं खा लेता, मैं इतनी खीर और खा लेता अगर इतनी जगह भी मेरे पेट में होती तो। तुम मुझे गोली देने आए हो,
एक बूंद जगह नहीं छोड़ी तब तो यहां हॉस्पिटल में आया हूं। तो ब्राह्मण स्वीकार, ब्राह्मण के पात्र स्वीकार्य होते हैं, वो कभी मना नहीं करता। शुक्राचार्य जी बोले, ये बामन पहली बार देखा हमने, यजमान देने को तैयार है, सर्वस्व नौछावर करने को तैयार हो, ये मना कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने अपनी मंत्र दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उनको सब दिख गया क्या होने वाला है। उन्होंने जाकर के तुरंत कहा, एष वै रोचने साक्षात भगवान विष्णु स्वयं। ये साक्षात, देखो एक तो होता है ये भगवान है, ये भगवान है। साधारण सी बात कह देते भगवान है तो कोई बात नहीं, भगवान का कोई अंश होगा, कोई अवतार होगा, लेकिन क्या कहा, साक्षात भगवान। ये साक्षात भगवान है। तुमने तीन पग जमीन देने का यदि वरदान दिया तो एक पग से तो ये क्रमतो गाम पादे केन, एक पद से तो ये पूरे पृथ्वी को नाप लेंगे, दूसरे पग से तीनों लोकों को नाप लेंगे, तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और यदि तूने अपने दिए गए वचन को पूरा नहीं किया तो निष्ठाम ते नरके मन्ये, तुझको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए ये साक्षात भगवान है, इनको कुछ भी मत देना। ऐसा कौन गुरु कह सकता है कि ये साक्षात भगवान है, इनको कुछ भी मत देना। राजा बलि बड़े प्रसन्न हो गए, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव आपने आगे क्या कहा, पहले क्या कहा, वो सब छोड़ो, मैं बीच की बात पर अटल विश्वास करता हूं। बोले क्या, आपने मुझे बता दिया कि ये साक्षात भगवान है, लेकिन आप जो मुझे मना कर रहे हैं कि देने के लिए मना कर दो, तुमने कुछ कहा ही नहीं देने के लिए, अब इनको कह दो कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बात से मुखर जाऊं, ऐसा कैसे कर सकता हूं। तब बलि कहता है अपने उस संवाद में, नहास्त्यात् परो धर्म इति यो वाच भूरियम् सर्वं सोडु मलं मन्ये रितेली कपरम नरम। महाराज, मैंने आपके ही प्रवचनों में सुना है कि पृथ्वी कहती है मैं दुनिया के समस्त भारों को सहन कर सकती हूं, दुनिया के समस्त पापियों को सहन कर सकती हूं, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार मुझसे सहन नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बहुत झूठ संभाषण करता है और वो भी ब्राह्मण के सामने, और ब्राह्मण भी नहीं, आपने तो बता दिया साक्षात भगवान है, इनके सामने यदि मैं झूठ बोल दूं कि मैंने तो लेने देने की कोई बात ही नहीं कही है, मैं तो कुछ ऐसा कोई संवाद ही नहीं हुआ हमारा, मेरा भार सह नहीं पाएगी पृथ्वी। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा भार क्या है, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, पृथ्वी सब प्रकार के भारों को सहन कर सकती है, लेकिन झूठे व्यक्ति के भारों को पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। इसका एक प्रमाण और है, आजकल श्री जगन्नाथ भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं, गुंडीचा मंदिर में विराज रहे हैं। आप सबको स्मरण है, अगले साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक यदि कोरोना काल की थोड़ी कृपा रही तो श्री गिरधर लाल जी का तृतीय जन्मोत्सव जगन्नाथ धाम में मनाया जाएगा, श्री जगन्नाथपुरी में मनेगा। और हमारे गिरधर लाल जी की ऐसी अलौकिक छवि है, वो जगन्नाथ भेष तो बिल्कुल डिट्टो धारण करते हैं, बिल्कुल अभी 4-5 दिन पहले ही जगन्नाथ उत्सव हुआ, आप सब लोग सोशल मीडिया पर फोटो देखना हमारे लाल जी के, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये गिरधर लाल जी हैं कि श्री जगन्नाथ जी हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करते हैं। और जहां अभी रथ खड़े हैं गुंडीचा मंदिर के बाहर, शरदावली करके स्थान है जहां पर रथ खड़े होते हैं, उसी जगह पर कथा है, वही हमारी कथा का स्थान है जहां अभी रथ खड़े हैं, वहां आप सब लोग पहुंचेंगे, सब लोग प्रेम से आएंगे। कथा का क्रम तो पता है, सुबह कथा होती है, शाम को उत्सव होता है, नित्य मंगल उत्सव होंगे वहां पर।